अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर केंद्र व प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आगामी 14 दिसंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली महारैली की सफलता के लिए कांग्रेस पार्टी की महानगर इकाई की बैठक सिनेमा रोड स्थित एक लॉज में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के महानगर अध्यक्ष अरुण अग्रहरी ने किया। बैठक में सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई कि अधिक से अधिक लोगों को इकट्ठा करके 14 दिसंबर को दिल्ली पहुंचे और महारैली को सफल बनाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्टी के महानगर अध्यक्ष अरुण अग्रहरी ने कहा, हम सभी लोगों की यह जरूरत है कि उनके हौसला को बढ़ाएं और इस ढंग से बढ़ाएं कि हमारे कार्यक्रमों पर सड़क तक आने के लिए तैयार, क्योंकि आप जब गांव में जाएंगे तो आप पाएंगे कि लोग इंतजार कर रहे हैं इस सरकार के, इस जन विरोधी सरकार के विरुद्ध कौन सी ऐसी पार्टी है जो हमें हमारी समस्याओं को लेकर के संघर्ष करने के लिए तैयार है। तो अगर हम पूरे मनोबल के साथ अगर हम सड़कों पर उतरने के लिए तैयार होते हैं तो निश्चित रूप से जिसकी हमें अपेक्षा है, जिनके बलबा में सत्ता में वापस आना है, हमारे साथ वो खड़ा होने के लिए तैयार है। बैठक जो है आज का महानगर कांग्रेस कमेटी और फ्रंटल संगठन के अध्यक्षों का बैठक जो है यहाँ पर हो रही है आगामी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा आहूत आगामी 14 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली महारैली, जो महा रैली होने जा रही है, उसमें गोरखपुर से अधिक कांग्रेस के लोग और आम जनता भी उस रैली में पहुँचे, उसी के संदर्भ में विचार विमर्श के लिए